तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इटिजोला टैबलेट के बारे में। यह आपको मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जैसे कि 0.25 mg, 0.5 mg और भी अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टैबलेट के क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके क्या डोज रहती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इटिजोला टैबलेट जिसका कंपोजिशन होता है इटिजोलाम, जो कि एक बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवा होती है। इस टैबलेट का यूज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और इंसोम्निया की कंडीशन में किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? एंजाइटी एंजाइटी मतलब चिंता, नर्वसनेस, यह कभी भी किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। फिर आता है पैनिक डिसऑर्डर, यह भी एक तरह से एंजाइटी का ही रूप होता है। इसमें कभी भी आपको अचानक से डर लग सकता है, चाहे वो रियल में वो खतरा आपके सामने नहीं हो, तो भी आपको ऐसे महसूस होगा कि यार अब तो कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, आपकी दिल की धड़कने बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं होता है। फिर थर्ड है इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब नींद ना आना, बेचैनी होना। तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट का यूज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं वो इसे 2 से 4 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लंबे समय तक ये गोली नहीं चलती है। तो अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट में दोस्तों आपको चक्कर आ सकते हैं, बोलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और मसल वीकनेस हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। यह जो टैबलेट है वो एक हैबिट फॉर्मिंग टैबलेट होती है, मतलब कि इस टैबलेट को लेने से आपको इसकी आदत पड़ सकती है। तो जब भी आप इस टैबलेट को ले, केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही ले, जब तक डॉक्टर बताते हैं उसी टाइम पीरियड तक ले। ऐसा नहीं है कि आपको फायदा लग रहा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खुद से ही चलाए जा रहे ही हो, तो आपको इसके ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में, इसकी क्या डोज रहती है। तो देखिए दोस्तों, जो डोज होती है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि उसकी क्या कंडीशन है, उसी हिसाब से डोज फिक्स होती है। उसी हिसाब से डॉक्टर इसे 0.25 mg भी दे सकते हैं, 0.5 mg भी, जो कि ज्यादातर रात को लेने की सलाह दी जाती है। अगर इस टैबलेट की ओवरडोज होने लगे तो जो मसल टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।